हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पता है, ओ लेवल गुरुजी चैनल पर लगातार आप लोगों की प्रैक्टिकल की तैयारी कराई गई है। और जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ था, हम आप लोगों के लिए लाइव ओरिजिनल पेपर्स लेके आएंगे। तो हम आ चुके हैं आपके सामने पेपर्स लेके, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से पेपर्स बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको नहीं, मैं आपको रात के 9 बजे प्रोवाइड कराऊंगा इसका सॉल्यूशन। तो अभी आप लोग सिर्फ पेपर्स देखिए और आप लोग ट्राई करिए इनके क्वेश्चंस करने की। आंसर मैं आपको रात के 9 बजे आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। तो देखिए जरा, पहला क्वेश्चन जो हमारा आया था, लिखा है क्रिएटर टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर एज शोन बिलो एंड फॉलोइंग फील्ड। सिंपल सी चीज़ थी कि यहाँ पर हमें क्या करना था, एक टेबल क्रिएट करनी थी, ओके। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी थी, लेकिन किस में क्रिएट करनी थी, लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो हम आपको दिखा देते हैं सिंपल सा, आपको क्या करना है, टेबल सबसे पहले वहाँ पर क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि इसके बाद आपको करना क्या है। तो करने के लिए उसमें लिखा था क्रिएट अ मार्जिन एट द टॉप एंड बॉटम 1.1 इंच एंड राइट एंड लेफ्ट ऑफ 5 इंच। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को राइटर से रिलेटेड कराया था, आपको मार्जिन दे देना है। फिर उसमें लिखा था क्रिएट लैंडस्केप ओरिएंटेशन सेट पेपर साइज A4। इसके बाद आपको जो पेपर का साइज करना था वो क्या करना था, यहाँ पर A4 साइज आपको पेपर करना था, जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता है। फिर इसमें लिखा हुआ था इंसर्ट कॉलम, यहाँ पर देख रहे हैं ना, पीरियड 4 कॉलम आफ्टर द पीरियड 3rd, मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं पीरियड 1 के बाद एक आपको यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है, ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है। इस ब्लैंक कॉलम के अंदर आपको क्या कर देना है, पीरियड जो 3rd था इसके बाद एक आपको हेडिंग लिखनी है, उसमें आप क्या लिख देंगे, पीरियड 3rd के बाद पीरियड 4 यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपको क्या लिखना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट वेडनेसडे रो अबव द थर्सडे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक चीज़ मिस है, मंडे ट्यूसडे के बाद क्या है, वेडनेसडे मिस है। तो यहाँ पर आप लोग राइट क्लिक करिएगा, जैसे ही आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या इंसर्ट कर देनी है, वेडनेसडे वाली रो को इंसर्ट कर देना है। फिर लिखा हुआ था वहाँ पर इंसर्ट पेज नंबर सेंटर अलाइन एंड एरियल फॉन्ट, क्या करना है, पेज नंबर को इंसर्ट कर देना है आपको, और उसके बाद आपको क्या कर देना है, सेंटर अलाइनमेंट आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देना है। और सेट टेबल फॉन्ट एज, अब देखिए टेबल का फॉन्ट क्या करना है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, सेंटर अलाइन एंड एरियल फॉन्ट। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेट टेबल फॉन्ट एज टाइम्स न्यू रोमन, फिर हमें क्या कर देना है, टाइम्स न्यू रोमन दे देना है। और इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एंड साइज ऑफ 13, साइज हमें कितना कर देना है, 13 कर देना है। लास्ट में आप देख रहे हैं लिखा है इंसर्ट हेडर विथ टाइटल टाइम टेबल, जो हमें हेडर इंसर्ट करना है उसमें हमें टाइटल क्या देना है, टाइम टेबल देना है, ओके। तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, जो लोग भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के मैं आप लोगों को पेपर लेके डेली मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ आप लोगों को, ओके। तो बिल्कुल से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जरूर आप लोग देख लीजिए। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वो आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आप लोग सारे क्लासेस देख सकें। और अगर जिन्होंने हमारी प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है वो भी जरूर से देख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो हमने आपको प्रोवाइड कराए थे। अगर आपको PDF वगैरह परचेस करनी हो तो आप PDF वगैरह भी परचेस कर सकते हैं, हमारे पास सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर से ही क्या हो रहा है, क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, ओके। तो अभी मैं सिर्फ आपको पेपर्स बता रहा हूँ, रात के 9 बजे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। रात के 9 बजे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पर क्लासेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। पहले क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था वो मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आया था। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ऑलरेडी हमने ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास में सॉल्व करवा हुआ था, क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्लाइड, मतलब कि हमने यहाँ पे क्या किया, 3 तो स्लाइड हमें इंसर्ट करनी थी, एंटर हेडिंग ABCD प्राइवेट लिमिटेड, सब हेडिंग आपको जहाँ पर जॉन डालना था, इंसर्ट एनी अप्रोप्रिएट लोगो इमेज, वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट करने का, तो एक आपको इमेज इंसर्ट कर देनी थी। फिर उसके बाद क्या था, क्रिएट अ फॉलोइंग हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस के दबा दीजिए, नहीं तो उसमें ऑप्शन होता है हाइपरलिंक का, आप लोग हाइपरलिंक लगा सकते थे। फिर क्रिएट अ बार चार्ट यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, हमें क्या करना था, जो नेक्स्ट स्लाइड नंबर, ये देखिए इतना जो काम करना था स्लाइड 1 पे करना था, ऐसे लिखा हुआ था, जो दूसरा काम करना था वो आपको स्लाइड 2 पे करना था, उस पर आपको ये टेबल बना देना है, टेबल के बाद वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ग्राफ का, तो आपको ग्राफ बना देना था। नेक्स्ट लिखा था एंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट एरियल फॉन्ट 14 इटैलिक, ठीक है। अब लास्ट में हमें क्या है, थैंक यू वहाँ पे लिखना था, जो हमें थैंक यू स्लाइड बनानी थी उसके अंदर हमें एरियल फॉन्ट करना था, 24 साइज करना था, बोल्ड इटैलिक लिख के थैंक यू उसमें हमें लगा देना था, ओके। तो ये पूरा काम हमें करना था अपने सेकंड क्वेश्चन में, करने आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, लेकिन हमने आपको 3 क्वेश्चन हम बता देते हैं, 2 क्वेश्चन होने के बाद 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए जरा आप लोग, 3rd नंबर का क्वेश्चन हमारा इस तरह से आया हुआ था, ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए जरा, 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है ये हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखने में जरूर बड़ा लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन सिंपल ही क्वेश्चन था, ठीक है। करना कैसे है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना है, ओके। तो वीडियो को अगर अभी आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, जो डेटा आप देख रहे हैं एज इट इज़ आपको बना लेना है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है, करना क्या क्या है, देखिए पहले लिखा हुआ था फॉर द अबव टेबल फाइंड द फॉलोइंग, सबसे पहले टैक्स हमें फाइंड करना था, इसमें लिखा हुआ है टैक्स इफ़ द प्राइस इज लेस देन 100 टैक्स इज 50 एंड अदरवाइज
इट शुड बी 100। अगर जिसका प्राइस आप लोग देखेंगे, जिसका प्राइस क्या है लेस देन 100 है, तो टैक्स कितना आपको फिल कर देना, 50 यहाँ पे फिल कर देना इस वाली कॉलम के अंदर। और जिसका प्राइस आपका ग्रेटर देन 100 है, तो वहाँ पे आपको क्या कर देना है, वहाँ पर आप लोगों को 100 रुपीज़ कर देना है। ओके, तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा था टोटल प्राइस बिफोर टैक्स। अगर हमें यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आप देख रहे हैं टोटल प्राइस बिफोर टैक्स, तो टोटल प्राइस बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे आप लोग, नंबर ऑफ आइटम इनटू नंबर ऑफ प्राइस। तो नंबर ऑफ आइटम मतलब कि यहाँ पर आप लोग ये वाला कॉलम देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं नंबर ऑफ आइटम आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसमें नंबर ऑफ आइटम के बाद आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दो नंबर की रो है, तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, B2 × C2। यहाँ पे B2 × C2 लगा दीजिए, तो ये आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं टोटल प्राइस आफ्टर टैक्स। तो टोटल प्राइस आफ्टर टैक्स क्या होगा, प्राइस बिफोर टैक्स प्लस टैक्स। तो प्राइस बिफोर टैक्स आपका कहाँ से मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा, प्लस टैक्स आपको यहाँ से, मतलब कि यहाँ पर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका D2 + E2। अगर आप देखेंगे कॉलम तो क्या था, ईथर D2 + E2 कर दीजिएगा, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला चलेगा वो आपका चलेगा D2 + E2। ओके, इतना होने के बाद नेक्स्ट आप लोग देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ था, फिल द वैल्यूज इन द कॉलम रेट। अब यहाँ पे देखिए कॉलम रेट, जो रेट वाला आप कॉलम देख रहे हैं, तो उसमें वैल्यू कैसे फिल करना है समझिए जरा। यहाँ क्या लिखा हुआ था, कॉन्टेंट ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है वैल्यूज ऑफ रेट, इफ द टोटल प्राइस आफ्टर टैक्स इज ग्रेटर देन 3500 देन हाई अदरवाइज रीजनेबल। मतलब कि जब आप लोगों का यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप लोगों का यहाँ पे जब आप देखेंगे जो आपका टोटल प्राइस है, अगर आप लोगों का यहाँ पे 3500 3500 के क्या हो जाएगा से बड़ा आएगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, आपको यहाँ पे हाई लिख देना है, और अदरवाइज इससे कम आएगा तो आप लोग क्या लिख देना, रीजनेबल। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं रीजनेबल आपको लिख देना है। फिर लिखा है फाइंड आउट द काउंट द आइटम, देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि काउंट ऑफ द आइटम, एवरेज ऑफ टैक्स और मिन एंड मैक्स प्राइस। तो वो चीज़ आप लोग को यहाँ लगा देनी है। जैसे आप देख पा रहे हैं कितने आइटम्स हैं, तो सीधा सीधे इक्वल टू काउंट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कितने आइटम आ रहे हैं आपके यहाँ पे, 1, 2, 3, 6, 8 तो आइटम आ रहा है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 8 आ जाएगा। एवरेज कैसे निकालेंगे आप लोग, टैक्स का निकालना है तो इक्वल टू फॉर्मूला लगा देना आप लोग, एवरेज वाला आप लोग फॉर्मूला लगा देना, एवरेज इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप लोग एवरेज निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप लोग नेक्स्ट जो यहाँ पे देख पा रहे हैं नेक्स्ट मिनिमम आइटम प्राइस, तो मिन और मैक्स वाला आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिएगा, जो मिन और मैक्स वाला फॉर्मूला होता है आप लोग उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। तो जो मिन और मैक्स वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को इक्वल टू मिन, ठीक है, मिन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके इसमें से हम लोग क्या निकाल लेंगे, आइटम प्राइस को सिलेक्ट करेंगे तो मिनिमम आ जाएगा, और नीचे हमें मैक्स लगाना था तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा आपका मैक्स वाला, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका मैक्स प्राइस वाला यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये रहे आपके तीनों पेपर, हालांकि आज मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताया, कल मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करवाए थे। डिटेल में अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं इन क्वेश्चंस का, तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए यस सर हमें डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको मैं रात के 9 बजे क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। अभी फिलहाल हम M1 में आप लोग को इतना बता दिया क्या पेपर आए थे, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर में आप लोगों से मिलने वाले हैं M2 के लिए। तो वीडियो पर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से लोगों को शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। PDF वगैरह पेपर्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए, और उसमें हमें अगर आप PDF परचेस करना चाहते हैं तो शानदार कंटेंट आपको मिलेगा, और बाय वन गेट वन के ऑफर में पेपर्स के साथ आपको PDF फ्री मिलेगी। तो आप लोग जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल गई है। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अभी M2 की क्लास के साथ, अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।